संविधान को अंतिम रूप दिया गया था और हालांकि यह संविधान 26 नवंबर 1949 को इसके रूप में मनाया जाता था, तो इसलिए संविधान सभा ने उस समय को इसे लागू किया गया और हमारा देश गणतंत्र बना। तभी से ही इस राष्ट्रीय निर्देश दे दिए गए हैं, हिमाचल प्रदेश को गणराज्य के रूप में जाना जाता है। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि और बागवानी के महत्व के दृष्टिगत किसानों और बागवानों के फलों की कीमत तय करने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। युवाओं को अपना उद्योग का कारोबार स्थापित करने के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। हमारी सरकार ने प्रदेश के वातावरण को संरक्षित रखने के लिए जल विद्युत हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन करने तथा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में हरित उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे निर्यात में बढ़ोतरी होगी। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में 500 मेगावाट तक की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने राज्य में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का निर्णय भी लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। रातों रात नहीं हो सकता है। भ्रष्टाचार के प्रति वर्तमान सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। सत्ता संभालते ही हमने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए कदम उठाने आरंभ कर दिए। परीक्षाओं के वर्तन तंत्र लीक होने के मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर का कामकाज निलंबित किया जा चुका है और अब योग्यता के आधार पर ही निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन किया जाएगा।
वर्तमान सरकार के गठन को अभी 47 दिन का समय ही हुआ है। हमने अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप कार्य करने का प्रयास किया है। हमने जरूरतमंदों के लिए 1 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आश्रय सहायता कोष स्थापित किया है। सरकार ने यह कदम करुणा के लिए नहीं बल्कि उनका अधिकार प्रदान करने के लिए उठाया। हमने सैन्य ऑपरेशन में शहीद सैनिकों के आश्रितों को 20 लाख रुपए तथा अपंग हुए सैनिकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर मैं प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रदेश को प्रगति की राह में अग्रसर बनाने में सहयोग देने के लिए प्रत्येक प्रदेशवासी को भी बधाई देता हूँ। हिमाचल को पुण्य राज्य का दर्जा दिलाने और विकास पथ पर आगे ले जाने के लिए हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, हिमाचल प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। पिछले भाजपा सरकार से वर्तमान सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला, जबकि कर्मचारियों को एरियर के रूप में 4,430 करोड़ रुपए, पेंशनरों की देनदारी 5,226 करोड़ रुपए, कर्मचारियों और पेंशनरों का ऋण दिए 1,000 करोड़ रुपए बताया है। इसके अलावा पिछली सरकार ने अंतिम 9 महीने में बिना बजट का प्रावधान किए 900 संस्थान खोले व अपग्रेड किए, जिससे प्रदेश पर 5,000 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ा। NPS के लगभग 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे हैं, जिसके बावजूद प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन देने का वादा पूरा किया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1,36,000 NPS कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के आत्मसम्मान की रक्षा हो तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि उन्होंने प्रदेश के विकास की गाथा लिखी है। हम कर्मचारियों को दिए और पेंशन भोगियों को उनके लाभ प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मैं सभी के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता हूँ। आज के शुभ अवसर पर मैं सभी सरकारी कर्मचारियों, भाइयों व बहनों से कहना चाहता हूँ कि आप अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचे जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। यह दिन पूरे देश के लिए गर्व और हर्ष महसूस करने का अवसर है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान को अपनाया तथा भारत सही अर्थों में गणतंत्र बना था। संविधान सभी देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के विकास एवं उत्थान के समान अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र की शक्ति संविधान में ही निहित है। यह पावन अवसर हमें आत्मविश्लेषण का अवसर भी प्रदान करता है। एक गणराज्य के रूप में हमारी विकास यात्रा इस अवधि में हासिल लक्ष्य और भविष्य में किए जाने वाले कार्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए कुर्बानियां देने वाले महान व्यक्तियों को स्मरण करना आवश्यक है। मैं ऐसे सभी जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करना अपनी शान समझते हैं। प्रदेश सरकार ने सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक सुविधाएं प्रदान की।